हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी एंड वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना होता है इंपॉर्टेंट सेशन, और आज है दोस्तों मंडे और वापस से एक नई शुरुआत है जो की हो रही है। कई सारे बच्चे जो पहले तैयारी नहीं कर रहे थे, उम्मीद की नहीं कर रहे, जो कि आज से स्टार्ट कर रहे हो तो करो अच्छी तरीके से पढ़ाई। ओके, अपने 2-4 महीने जो है वो अच्छी तरीके से अपने दे दो, उससे काफी बेनिफिट है जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए गाइस, सुबह के 5 तो बज चुके हैं और साथ में आज है 24 मई। तो आज हम लोग, जैसा कि आपको मालूम है, 2 दिन के सुबह 5 बजे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो अगर सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते वक्त BHU10 या फिर भुवनेश्वर लगा सकते हैं, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि आपके हो जाएगा। इसके अलावा गाइज, आप लोगों के लिए एक न्यू अनाउंसमेंट है, एक नया कंप्लीट जीके का बैच है जो कि लॉन्च हो रहा है इन सभी एग्जाम के लिए 1 जून से, जहां पे आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस मिलेगी 450 रुपए पर मंथ में। PDF, लाइव टेस्ट, डाउट क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। BHU10 है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे दोस्तों जीके की क्लासेस की फर्स्ट क्लास है जो की होने वाली है, और ये पहली क्लास जो होगी वो होगी हिस्ट्री की। जिन बच्चों ने पहले ज्वाइन नहीं किया उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका, प्लस आज ही ले लीजिएगा। ओके, और अभी जो है आप बाकी सब्जेक्ट कर सकते हैं, एक टाइम से मेरी जीके के साथ हो जाएगी। चलिए, पहला सवाल है, शक्ति मजूमदार जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया डैश से जुड़े थे। शक्ति मजूमदार के बारे में बात करें गाइस, तो ये एथलीट थे जिनका भी रिसेंटली मृत्यु हो गई है, तो हार्ट अटैक अभी इनको आ गया था। ओके, इंडियन बॉक्सर रहे दोस्तों, मैन फ्लाइवेट कैटेगरी के में 1952 के और समर ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वियतनाम के एक फाइटर थे, उनको भी इन्होंने हराया था। ओके, तो काफी जबरदस्त बॉक्सर माने जाते हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने COVID-19 संक्रमण से उभरने वाली बी तेजस्विनी बाई के लिए 2 लाख रुपए की मंजूरी दी है, वह किस खेल से जुड़ी है? तो रिसेंटली दोस्तों 2 लाख रुपए जो है वो COVID-19 इन्फेक्शन से बचने के लिए तेजस्वी बाई जी को दिया गया है। ये हमारे देश के दोस्तों बहुत ही प्रेस्टिजियस कबड्डी प्लेयर है जो की महिलाओं की हुआ करती थी। अभी काफी वायरल हुआ था ये चीज कि इनको हेल्प की जरूरत है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसलिए दोस्तों ये अप्रूव है जो कि दिया गया, बहुत ही अच्छी बात है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड जो स्पोर्ट्समैन के लिए बना रखा है, उसमें से ये पैसा है जो कि दिया गया है। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, देखो इतने पैसे मिलते नहीं थे स्पोर्ट्समैन, है ना। हमारे देश में स्पोर्ट्स इतना ज्यादा आगे क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे जब, अगर मैं आज से 10-20 साल 30 साल पहले की बात करूं, तो उस टाइम में स्पोर्ट्स में पैसा नहीं होता था, तो इसीलिए जो पुराने स्पोर्ट्स पर्सन उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। आज तो क्या होता है, ब्रांड एंडोर्समेंट होता है बहुत सारे, चाहे शादी से लेकर रिबन काटने से लेकर 50 जगह जो कि स्पॉन्सरशिप होती है, पहले इतना होता नहीं था, है ना। तो 2011 के अंदर इनको अर्जुन अवार्ड है जो कि दोस्तों मिला था, वुमेन कबड्डी टीम की मेंबर है 2010-2014 के एशियन गेम्स है जिसमें ये विनर रहे थे। चलिए ठीक है गाइस, इनके बारे में बात कर रहे हैं। INS राजपूत एक निदेशक मिसाइल विध्वंसक को कितने वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवामुक्त कर दिया है? तो INS राजपूत को हमने USSR से दोस्तों लिया था, 41 साल तक सेवा के बाद में दोस्तों इसको डी कमीशन है जो कि विशाखापट्टनम वाले पोर्ट पे कर दिया गया है। ठीक है गाइस, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था और 1980 के अंदर इसको कमीशन किया गया था, पहला डिस्ट्रॉयर था हमारा इंडियन नेवी का। अब ये सवाल क्यों डिफेंस के एग्जाम में नहीं आएगा, देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, USSR के द्वारा इसको पहले बनाया गया था, विशाखापट्टनम में इसको डिकमीशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बात कर रहे हैं, RBI केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितनी राशि जो है वो ट्रांसफर कर रहा है? तो RBI दोस्तों सरप्लस अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट को दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है, और ये कितना अमाउंट है, 99,000 करोड़ है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, RBI की बात करें, 1935 में फॉर्मेशन हुआ, मुंबई हेडक्वार्टर है, शक्तिकांत दास जी गवर्नर है। चलिए, डोमेस्टिक चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए मिला है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में NMMS ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप है जो कि लॉन्च करी है? इस नंबर पे मत जाइएगा, नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, 2-4 ऊपर नीचे, इस पे नोट मत लेना। ठीक है, कमेंट करोगे सर देखो आपके 7वां क्वेश्चन के पीछे तो थे ही नहीं 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो NMMS और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप जो लॉन्च करी गई है ना, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा दोस्तों करी गई है, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे देश के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है दोस्तों, ओके, जिनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि कई सारे पेमेंट फास्टर हो जाएगा, अटेंडेंस जो वर्कर के महात्मा गांधी नरेगा के अंदर है उनकी अटेंडेंस जो है आप देख सकते हैं, है ना। NMMS जो है वो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, समझ गए, इससे आप रियल टाइम अटेंडेंस वर्कर जो भी मनरेगा में काम कर रहे हैं ना उनको
फोटो के साथ में यहाँ पे देखा जा सकता है उनको डिटेल। ओके चलिए, विजय पाटिल जिनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया वह प्रसिद्ध कौन थे? तो विजय पाटिल जी के बारे में बात करें गाइस, तो 79 की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई और ये बहुत ही फेमस एक म्यूजिशियन हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है गाइस। और इनको लक्ष्मण राम लक्ष्मण में माने जाते थे दोस्तों। सुरेंद्र हेगड़े जी के साथ में विजय पाटिल जी दोस्तों काफी फेमस रहे। एजेंट विनोद नाम की मूवी थी राष्ट्रीय प्रोडक्शन की, उसके अंदर इन्होंने काम किया था। इनके पार्टनर की भी मृत्यु हो गई थी काफी टाइम पहले। 75 हिंदी मराठी और भोजपुरी फिल्म में इन्होंने काम किया है। विश्व बैंक ने हाल ही में बांग्लादेश में दो परियोजनाओं के लिए कितनी राशि है जो कि स्वीकृत करी है? वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों बांग्लादेश के दो प्रोजेक्ट को पैसा दिया है। कितना दिया है भाई? यहाँ पे $600 मिलियन है जो कि दिया है। तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, 1944 में फॉर्मेशन हुआ, डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है, ढाका कैपिटल तथा करेंसी शेख हसीना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। ओके, अभी रिसेंटली एक और बहुत न्यूज फेमस हुई थी कि बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया को पीछे छोड़ चुका है। एक बार तो पहले हुई थी बात ये, फिर इंडिया थोड़ा सा आगे वापस हो गया था, लेकिन अभी वापस से दोस्तों हम लोग पीछे हो चुके हैं और अभी मेरे ख्याल से 1-2 साल तक पीछे ही रहेंगे। चलिए, चीन के बाइट डांस के संस्थापक और सीईओ का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। बाइट डांस जो है वो पेरेंट कंपनी है किसकी? टिकटॉक की। तो उनके जो सीईओ है उन्होंने अभी इस्तीफा दिया था, सैटरडे को हमने पढ़ा भी था। आंसर क्या हो जाएगा? जैन। और इन्होंने अपने दोस्त को दोस्तों क्या बना दिया था? यहाँ पे सीईओ है जो की बना दिया था। ओके गाइस, 2012 में इसकी शुरुआत हुई, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, चाइनीज इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है दोस्तों। ओके गाइस, टिकटॉक के लिए बहुत ही फेमस है। यूएन ने गाजा में बढ़ती मानवीय जरूरतों के लिए कितनी राशि जारी करने की घोषणा करी है? यूएन ने अनाउंस करा है दोस्तों, ओके, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स इन गाजा, कितने पैसे का अनाउंसमेंट किया है? ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, $22.5 मिलियन आपका सही जवाब है, ठीक है गाइस। तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो ह्यूमैनिटेरियन अफेयर और इमरजेंसी के है मार्क, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे $22.5 मिलियन का दोस्तों अनाउंसमेंट किया है ह्यूमैनिटेरियन नीड को लेकर गाजा में। आपको मालूम है बहुत सारे लोग दोस्तों घर तबाह हो गए हैं, लोग जो है उनके पास में घर नहीं है, खाने को नहीं है, उन सबको दोस्तों यहाँ पे मदद है जो कि दी जाएगी। यूएन की बात करें, 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ 24 अक्टूबर को, इसलिए यूएन डे भी बोलते हैं हम इसको। एंटोनियो अभी सेक्रेटरी जनरल है, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर के अंदर है, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे हैं, इजिप्ट के द्वारा दोस्तों ये दोनों से जो है ना सीज फायर जो है वो इजिप्ट की मदद से किया गया, क्योंकि काफी लोग जो है वो इजिप्ट के अंदर जा रहे थे यहाँ से, समझ गए। तो इसीलिए दोस्तों इजिप्ट ने इसकी पहल करी और गाजा वाला ये पूरा एरिया इसको दोस्तों काफी जो है वो नुकसान है जो कि पहुंचा है, आप देख सकते हैं मैप के अंदर। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस जो कि लॉन्च किया है? मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा ये मिशन है जो कि लॉन्च किया गया है, ये खुद जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडस्ट्री में ताकि किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े और खुद की रिक्वायरमेंट खुद है जो कि पूरी कर सके। भगत सिंह जी दोस्तों यहाँ पे गवर्नर है, मुंबई कैपिटल है, उद्धव ठाकरे यहाँ पे अभी सीएम बने हुए आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। ये है मुंबई दोस्तों, उसके ऊपर थाने है, उसके पास में नासिक है, अहमदनगर, औरंगाबाद, नीचे रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर, लास्ट में शोलापुर भी है, ये लातूर है, ये नंदेद है ना, ये काफी ये हमारा हमारा ओके अमरावती है, नागपुर येरा, ये काफी फेमस सिटीज है यहाँ पे, है ना। चलिए, किस राज्य की सरकार ने लोगों को अपनी COVID-19 परीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए एक वेबसाइट है जो कि शुरू करी है? आप अपनी COVID-19 की जो भी टेस्ट रिपोर्ट है उसको ऑनलाइन पता कर सकते हैं, ऐसा जो है वेबसाइट बनाया गया है। किसके द्वारा? ये बनाया गया है उड़ीसा के द्वारा, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वेबसाइट ताकि एक्सेस कर सके COVID-19 का टेस्ट की रिपोर्ट ऑनलाइन। ओके गाइस, और इससे क्या होगा कि आप अपनी रिपोर्ट को कहीं भेज भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। गणेशी लाल जी यहाँ पे गवर्नर है, नवीन जी यहाँ पे सीएम है, भुवनेश्वर कैपिटल है, ये इनका मैप है। चलिए, कोरोना के कारण अनाथ बच्चों के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वात्सल्य योजना शुरू करी गई है? वात्सल्य योजना, ये योजना का नाम है और किसके द्वारा करी गई है? उत्तराखंड के द्वारा दोस्तों, उन बच्चों के लिए करी गई है जो कि ऑर्फन हो गए हैं, ठीक है। तो तीरथ सिंह रावत जी ने दोस्तों इसका अनाउंसमेंट है जो कि किया है, और यहाँ पे उनकी मेंटेनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, 21 साल तक के लिए दोस्तों उनका पूरा ध्यान है जो कि सरकार रखेगी। ₹3,000 पर मंथ का उनको अलाउंसेस भी मिलेगा और 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी इनको स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में
मिलेगा। बेबी रानी मौर्य गवर्नर है देहरादून और गारसेन को दोस्तों कैपिटल यहाँ पे माना जाता है, ठीक है, ये देख सकते हो आप पूरा मैप। दूसरे कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वापस से दोस्तों जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम आपको बताना है। बहुत ही फेमस नाम है, आप सभी को मालूम होगा, नरेंद्र बत्रा जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वापस से दोस्तों ये प्रेसिडेंट है जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनको रीइलेक्ट किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, वर्चुअल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जो कि हुए, बेल्जियम के एक पर्सन को इन्होंने हराया है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट जो है उसको भी हेड किया था, साथ में हॉकी और इंडोर हॉकी को भी दोस्तों यहाँ पे लीड किया है, ठीक है। इसके अलावा लुसेन के अंदर हेडक्वार्टर है, थैरी यहाँ पे दोस्तों FIH के CEO हैं और 1924 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, FIH का। चलिए, किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक की मेजबानी करी है? ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप, ये कौन इसको होस्ट किया दोस्तों? इसको इंडिया के द्वारा ही है जो कि होस्ट किया गया है, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ में जैसे कि आप सभी को मैंने बताया धमाकेदार दोस्तों एक कोर्स है जहां पे मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक साइंस स्ट्रेटेजी के सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, और पहली क्लास जो आने वाली है वो 1 जून को आने वाली है आपके अनअकैडमी के SSC प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो इन सभी एग्जाम के लिए ज्वाइन कर लेना, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी ₹450 पर मंथ में। डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, PDF टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। रेफरल कोड आपको BHU10 या फिर BHU10 जो कि लगाना है जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और आप IIT, NEET, CAT, MAT, ओके, किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं रेफरल कोड को। UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, लिमिटेड में से किस संगठन ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिपकोवेन विकसित है जो कि किया है? तो किसके द्वारा दोस्तों एंटीबॉडी डिटेक्शन जो किट है वो लॉन्च करी गई है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मिलते हैं गाइज सुबह 8 बजे वाली क्लास के अंदर जहां पे हम लोग 2 दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि करने वाले हैं क्योंकि संडे और मंडे 2 दिन का, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।